द्वारपालों से पूछा कि महाराज ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी। बोले ओ सुदामापुरी, बोले होगा कोई सुदामा जी? बोले सुदामापुरी, इस सुदामा जी महाराज नाम के कोई सेठ है क्या? बोले महाराज पता नहीं, वो तो द्वारका को गए हैं। बोले हो सकता है कोई सेठ होगा, मेरे नाम का ही वो द्वारका को चले गए होंगे, हमारी कुटिया को, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कुटिया को लेकर के यहाँ कंचन महल बना लिया होगा। लेकिन जब सुशीला ने जब देखा है तारिका पर से, तो सीरो सोलो संधार करके आज जो है सुदामा जी महाराज के पास आए हैं। सुदामा जी महाराज बगल हो गए, लेकिन जब सुशीला ने चरण पकड़ा है, प्रणाम किया, तो बड़े संकुचित हो गए। सुदामा ने कहा, देवी तुम कौन हो? सुशीला ने कहा, भगवान आप पहचाने नहीं मुझे? अरे मैं आपकी अर्धांगनी, आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम? अरे इतनी सुंदर। बोले सब ठाकुर जी की कृपा से। बोले ये महल? बोले ठाकुर जी की कृपा से। बोले ओहो मैंने समझ गया, प्रभु ने कुछ दिया नहीं लेकिन फिर देने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रखा। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम अब तो तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, अब तुम सोने की रोटी बनाओ, सोने का दाल बनाओ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का भजन करूंगा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णो संपदः नारायण अस्मृतः। अरे उस विपत्ति को हम विपत्ति नहीं मानते, विपत्ति में प्रभु का भजन हो, परमात्मा का भजन हो, और उस संपत्ति किस काम का, जिस संपत्ति को पा करके भगवान का नाम स्मरण भूल जाए। और सुदामा जी आज है एक छोटी सी कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगते हैं। इधर पंचक क्षेत्र में एक दिन ब्रजवासियों से यादवों से मुलाकात हो गया। आगे चलकर वेणु गीत का प्रसंग आता है, सुभद्रा का विवाह का प्रसंग है। भगवान शिव जी के द्वारा भस्मासुर को बल प्राप्त हुआ और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का उद्धार किया है। यहीं पर दसम स्कंद समाप्त होता है। एकादश स्कंद में जादवों का श्राप का प्रसंग है। एक दिन की बात है, भगवान ने अपने परिजनों को बुला करके कहा कि देखो बेटा, संत और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। देखो जीवन में चार चीज पाकर के, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेक दाहा एक अप्य अनर्थाय किम यत्र चतुष्टया। सुंदर रूप हो जाना, युवा अवस्था होना, संपत्ति पाकर के सत्ता का अभिमान होना, यदि जो है यह सब कुछ हो जाए और जीवन में यदि ज्ञान नहीं हो तो इससे लोग बच नहीं पाता। इसलिए देखो संतों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। साधवो हृदयम मह्यम, साधु तो मेरा प्राण ही है। लेकिन हुआ क्या, मद के अभिमान में, संपत्ति के अभिमान में आज भगवान के ही वंशजों ने भगवान का मखौल करने लगा। अरे देखो तो बूढ़े को तो कोई काम नहीं, बैठे बैठे उपदेश दे रहे हैं, इन दिनों संतों की ही चर्चा करते रहते हैं। और प्रभु ने समझ गया, मेरे ही, मैं जिसके लिए यदा देवेशु वेदेशु गौ विप्रेशु साधुसु धर्मे च विद्वेषा सामा अश्रु विनश्यति, जिसके लिए मैं अवतार लेकर के आया वही हमारे वंश के लोग संतों का अपमान कर रहे हैं। भगवान ने मन में संकल्प लिया और वहां पर चातुर्मास मनाने के लिए बड़े बड़े संत लोग पहुंचे हुए हैं।
जामपती के पुत्र श्याम ने नवयुवकों के साथ में कहा, देखो बाबा बैरागी लोग ऐसे ही बैठ करके भजन करते हैं या कुछ जानते उनते ही हैं, केवल खाते पीते रहते हैं, पर के आटा पर के घी मौज जड़ाए बाबा जी, या कुछ जानते भी हैं, चलो परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए गया तो एक पेट में जो है कपड़े को बांध करके सांब को साड़ी पहना करके संतों के सामने रख दिया और कहा, बाबा बताइए इनके पेट में क्या होगा, लड़का होगा या लड़की, छोरा होगा या छोरी। बड़े बड़े संत लोग जो हैं उस सभा में, विश्वामित्रो वशिष्ठो आसित कवनो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारद दयः। विश्वामित्र असित कवन दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद सब बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। सब लोग कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, पता ही नहीं चले इसके पेट में क्या होगा। बगल में ही दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा जी ने इशारा किया, अरे बालको इधर आओ। बोले क्या बात है। बोला बाबा बताइए इसके पेट में क्या होगा, छोरा होगा या छोरी। बोला ना छोरा होगा ना छोरी, इसके पेट से तो एक मुसल जन्म लेगा और उसी के द्वारा सारा यदुवंश का नाश होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और जब उधर उग्रसेन जी महाराज को जब पता चला है तो उग्रसेन जी महाराज ने उस मुसल को कुटवा करके समुद्र में डाल दिया, लेकिन एक कण रह गया था, उसे एक मछली ने निगल लिया और वही जो चूर्ण बनाया हुआ था वह एर के रूप में प्रकट हो गया, जिससे 36 कोटि यदुवंशियों का संहार हो गया और अंत में प्रभु को वह मछली ने जो निगला था उस व्याधा ने ले जाकर के तीर बनाया और वही तीर भगवान के चरणों में लग गया, प्राणो अंत हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इधर बड़ा सुंदर यहाँ नव जगेशों का संवाद है। एक दिन निमी नाम के जनक, जनक के उस गद्दी पर जो बैठता है वो जमा जनक होता है। निमी नाम के जनक ने नव जोगेश्वर से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि महाराज ये बताइए बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। कहे राजन, करोति यदि यदे सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। हे राजन, मन सा वाचा कर्मणा से जो जीव कर्म करे वह सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। नारायणेति समर्पयेत्, अच्छाई हो तो बुराई हो तो सब प्रभु के चरणों में अर्पित करके यदि कर्म करता है। कहते द्वै पदे बंध मोक्षस्य ममेति ममेति च न ममेति बंधेते जंतुर ममेति बंध उच्चते। का बंधन और मोक्ष का दो ही कारण है। आप भोजन बनाते हैं, मन में एक भाव रहे, मैं ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने गुरुदेव के लिए बना रहा हूँ, मैं अपने परमात्मा के लिए बना रहा हूँ, तो भोजन पवित्र से बनेगा और यही मोक्ष का कारण बन जाता है। दूसरी बात, भोजन आपको ही बनाना है, आपको ही खाना है, लेकिन उसमें भाव रहे मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खाऊंगा, यही बंधन का कारण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और नवजग सोने से वह मनुष्य शरीर के संबंध में बताया है, हे मनुष्यो, हे राजन, ये जो मानव शरीर मिला है दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जीवन में तीन बात अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है। भगवान शंकराचार्य विनोद चूड़ामणि में लिखते हैं, दुर्लभम त्रैमेक देवा अनुग्रहेतुकम् मनुस्तत्त्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुषस्य संश्रयः। का मनुष्य का शरीर मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। का उसमें भी मुमुक्षुत्वम्
मोक्ष का जिज्ञासा हो जाए। मोक्ष का जिज्ञासा का मतलब समझते हैं,